हेलो बच्चों, आई एम शेख तैयब एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड क्वेश्चन नंबर इज 2.13। और क्वेश्चन क्या है, आप समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, डोर ऑफ ए डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी हाइट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। बच्चों डैम आपने देखा होगा, डैम नदी के ऊपर डैम बनाया जाता है, मान लो डैम है और ये पूरा नदी का पानी भरा हुआ है। ठीक है, और हमेशा इसका जो डोर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो मान लो डैम का डोर नीचे है, ठीक है, और ये पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो जब ये डोर डोर खोलेंगे तो पानी यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो डोर जो इस डैम का जो डोर है, दरवाजा है, वो कितना है, हाइट नीचे है 20 मीटर। तो डोर ऑफ ए डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर इन द डैम। इफ वन डोर इज ओपन, अगर तो बहुत सारे डोर होते हैं, हर जगह डोर बने होते हैं। ठीक है, बोलता है अगर एक डोर ओपन कर दिया, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द डोर। तो कितने स्पीड से जो पानी है इसमें से फ्लो होगा। तो बच्चों ये यहाँ पर देखो, जी का वैल्यू भी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। और यहाँ पर जो टॉपिक जिसका ये फॉर्मूला यूज है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक है, From an orifice। तो आपने ये टॉपिक देखा होगा, आखिर में दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन बर्नौलीज इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें आपके पास एक टॉपिक है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, और स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम एन ओरिफिस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखो बच्चों, ये एक छोटा डोर छोटा हो गया ना, ये पूरा ओपन है, ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा है, यहाँ से अभी वॉटर फ्लो होगा, तो इसकी स्पीड फाइंड आउट करना है। तो ये ओरिफिस हो गया, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम एन ओरिफिस के लिए हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे और इस ओरिफिस के पास क्या वेलोसिटी है, मतलब इस डोर से वाटर कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू अंडर रूट 2g का वैल्यू कितना है, 9.8, एंड एच कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ओके, तो बच्चों तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखो 20 दुनी ये हो गया 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 392। ठीक है, कितना मिलेगा, 392। बच्चों अब इसको हम स्क्वायर रूट से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लॉग बुक में स्क्वायर रूट के टेबल में जाएंगे, बट आप 3.92 आप इजीली देख सकते हैं, 392 3.92। तो काम करो, इसको जो है पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बट ये सबसे इजी है। 392 को मैं लिख रहा हूँ 3.92 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, 100 से 3.92 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों 10 का स्क्वायर है, रूट से बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब ये हो गया अंडर रूट 3.92। ओके, और ये 10 का स्क्वायर रूट से बाहर गया तो क्या हो गया, 10। अब आप लॉग बुक में जाएंगे, स्क्वायर रूट के टेबल में जाएंगे, फ्रॉम 1 टू 10 में आप जाके 3.9 के 2 में जब देखेंगे तो 3.9 के 2 में आपको मिलेगा 1.980। स्क्वायर रूट के टेबल में फ्रॉम 1 to 10 में 3.9 के 2 में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3.9 के 2 में 1.980 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इट इज अ 1.980। और यह है मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19.80। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द डोर इज हाउ मच, इट इज 19.8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ओके, तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बस आपको टॉपिक कौन से टॉपिक का प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये बातें अगर आपको ध्यान में रहेगी तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इजी है। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।